Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 3rd of September 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. First, यहाँ पर important news है, INS विक्रांत made in India. तो सबसे पहले यहाँ पर naval ensign की बात की गई है. तो जो नया नेवल इंसाइन है, इट डिपिक्ट्स द रॉयल सील ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड सेलिब्रेट्स हिज नेवल प्रोवेस. मोदी ऑल्सो अनवील्ड द न्यू नेवल इंसाइन और निशान. और जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस है, वो यहाँ पर नेवल इंसाइन के ऊपर से हटा दिया गया है. द सेंट जॉर्ज क्रॉस इन द अर्लियर इंसाइन हैज़ बीन रिमूव्ड, डूइंग अवे विद द कॉलोनियल पास्ट एंड बी फिटिंग द रिच इंडियन मेरीटाइम हेरिटेज. इट नाउ इंक्लूड्स द क्रेस्ट ऑफ द इंडियन नेवी ऑन अ नेवी ब्लू बैकग्राउंड इनकम्पास्ड इन एन ऑक्टागॉन रिप्रेजेंटिंग द रॉयल सील और राज मुद्रा ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज. तो आगे यहाँ पर एक पेज पर है ये नेवल इंसाइन की पिक्चर, तो वहाँ पर हम देख लेंगे. फिर यहाँ पर INS विक्रांत की बात की गई है. INS विक्रांत हैज़ बीन डिजाइंड बाई द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, अर्लियर नोन एज द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. तो INS विक्रांत को यहाँ पर डिज़ाइन किया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने, और कंस्ट्रक्ट किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने. फिर यहाँ पर यही बताया है कि इंडिया बिलीव करता है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक में, और हमारा एफर्ट यही है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एज एनविजन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर. When fully operational, that is expected to be towards the end of the 2023, INS Vikrant will be capable of operating an air wing of 30 aircraft of Russian and US origin. Aur iski air fleet will comprise multi-role carrier capable MiG-29, airborne early warning Kamov 31 helicopters, MH-60 are multi-role helicopters. Iske alawa yahan par advanced light helicopters and the light combat aircraft. Isme yahan par स्टोबार भी है. मतलब स्टोबार क्या होता है? शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी यूजिंग अ नोवल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड नोन एज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी. अब आपको इतने फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंशन था तो हमने एक बार डिस्कस कर लिया है. अब हम चलते हैं आगे. बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं. यहाँ पर भी INS विक्रांत के बारे में यही है कि हमें अब क्या थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है. विद INS विक्रांत ज्वाइनिंग INS विक्रमादित्य इन द इंडियन नेवी सर्विस, द पुश फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर सीम्स टू बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर. द इंसिस्टेंस फॉर द सेकेंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इज क्रूशियल इन द बैकड्रॉप ऑफ रैपिडली स्ट्रेंथनिंग कैरियर फ्लीट ऑफ चाइनाज PLA नेवी. क्योंकि चाइना के पास यहाँ पर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं और 2 पाइपलाइन में हैं अभी चाइना में. द सेकेंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम यहाँ पर INS विशाल होगा, एंड इज़ प्रपोज टू हैव डिस्प्लेसमेंट ऑफ अराउंड 65,000 टन्स. जो INS विक्रमादित्य है, दैट इज़ रशियन ओरिजिन. रशियन ओरिजिन कीव क्लास INS विक्रमादित्य वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन 2013. Even as the Parliamentary Standing Committee on Defence had termed कि हमें यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत है, and it is unavoidable requirement to meet any eventualities, it kept open the option of exploring island on both sides of the coast for developing personal aircraft carrier. तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है, और वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग आइलैंड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कोस्ट फॉर डेवलपिंग प्रोविजनल एयरक्राफ्ट कैरियर. द कमिटी इन्फर्ड दैट द प्रपोजल टू डेवलप रनवेज ऑन आइलैंड, इसको यहाँ पर कंटेम्पलेट किया जा सकता है, और मिनिस्ट्री इसको डिसाइड करेगी. तो क्या हमें यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है या नहीं है, दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड. Meanwhile, China, which currently operates 2 carriers, जिसका नाम है Liaoning and Shandong, इसके अलावा third aircraft carrier इस year ही launch किया, जिसका नाम था Fujian, and 2 more aircraft carriers are set to be in the pipeline. तो China के पास यहाँ पर हो जाएंगे total 5 aircraft carriers. The committee in its report explores the viability of island territories. तो हम इनको island territories को develop कर सकते हैं into optional aircraft carrier. तो उसके बाद ये question है कि हमें third aircraft carrier की ज़रूरत है. अब हम चलते हैं आगे.
इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज टू हिट मार्केट सून. तो इस वैक्सीन का क्या नाम है, लंपी प्रो वैक इंट. द ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज कॉन्फिडेंट अबाउट कमर्शलाइजिंग इट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड लंपी प्रो वैक इंट वैक्सीन अगेंस्ट द लंपी स्किन डिजीज. लंपी प्रो वैक इंट जॉइंटली डेवलप्ड बाई ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन एट हिसार हरियाणा एंड द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट आइजट नगर यूपी. इट इज़ ऑल्सो होमोलोगस जो कि यहाँ पर 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट LSD इन कैटल. करेंटली वी आर ओनली एडमिनिस्ट्रिंग गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वायरस, लेकिन ये जो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये सिर्फ 60-70% ही करती है. इंडिया की कैटल पॉपुलेशन है 193.46 मिलियन एज पर द 2019 लाइव स्टॉक सेंसस. लॉर्ड ऑफ द सीज, द कमिशनिंग ऑफ द INS विक्रांत इज अ लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर इंडिया. इसको डेवलप किया गया है बाई द नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है बाई द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. विक्रांत इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 43,000 टन्स और जो इंड्योरेंस है दैट इज अबाउट 7,500 नॉटिकल माइल्स. The ship's integral fleet of MiG-29K aircraft came off 31 early warning MH-60R. ये हम फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं. After the Navy's top brass reiterated the need for a third aircraft carrier, कि हमें इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है. अब यहाँ पर स्केप्टिक्स का क्या कहना है, देयर इज़ द लिटिल पॉइंट इन स्पेंडिंग बिलियंस फॉर अ कैरियर स्ट्राइक फोर्स टू प्रोटेक्ट द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सीज. तो यहाँ पर बिलियंस खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर स्केप्टिक्स का ये कहना है, और हमें यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है. एयरक्राफ्ट कैरियर्स द डाउटर्स पॉजिट आर लॉजिस्टिकली अनवायबल, हाईली वल्नरेबल हैं टू न्यू हाइपरसोनिक वेपन्स एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. इसीलिए हमें इतना ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में. येट देयर इज़ अ कंपेलिंग रैशनल फॉर retaining the aircraft carrier in peace and in war. No platform provides access to littoral spaces जो कि यहाँ पर aircraft carrier provide करता है. तो yet there is compelling rationale for retaining the aircraft carrier in peace and in war. No platform provides access to littoral spaces as thoroughly and emphatically as the aircraft carrier provides. Whatever its disadvantages, the aircraft carrier has the critical ability कि यहाँ पर जो psychological balance है littorals में वो उसको alter कर देता है, इसीलिए aircraft carrier बहुत important है. The aircraft carrier ought also to be located in a conceptual framework. अब ocean going navies में 3 types of conventional assets होने चाहिए. First यहाँ पर होता है hard power assets, जैसे कि फाइटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, मिसाइल बोट्स, अटैक सबमरीन्स. तो ये यहाँ पर हो गया हार्ड पावर एसेट्स. सेकेंड होता है यहाँ पर सॉफ्ट पावर एसेट्स. द सेकेंड लॉट इज ऑफ सॉफ्ट पावर एसेट्स लाइक हॉस्पिटल शिप्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ प्लेटफॉर्म्स, सर्वे वेसल्स. These provide a valuable service and are crucial for a Navy's soft power outreach. And the third and the final one is पावर प्रोजेक्शन, और एयरक्राफ्ट कैरियर पावर प्रोजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनली एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली आर नेवी नीड्स एसेट्स फॉर पावर प्रोजेक्शन, अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ पीस टाइम मेरीटाइम स्ट्रेटजी एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ए नेशंस स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इंटेंट. एंड येट इंडियाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैव नेवर क्वाइट बीन यूज एज अ वर्सेटाइल एसेट्स. तो हमने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वर्सेटाइल एसेट्स की तरह नहीं यूज़ किया है, स्विचिंग बिटवीन पावर प्रोजेक्शन, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड प्रेजेंस ऑपरेशन. दैट्स बिकॉज द नेवी हैज़ रेयरली हैड द अपॉर्चुनिटीज कि हम यहाँ पर दो ऑपरेशनल कैरियर्स को ऑपरेट कर सकें. विद द विक्रांत जॉइनिंग द फ्लीट एंड द पॉसिबल एडिशन कि यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का हो सकता है ओवर द नेक्स्ट डेकेड, द इंडियन नेवी कुड फॉर द फर्स्ट टाइम प्ले अ क्रूशियल role in shaping the power balance in the Indian Ocean. The Indian Navy is also mindful of the ambition of the People's Liberation Army Navy and the role jo yahan par Chinese एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे कि लियोनिंग, शेंटोंग एंड द थर्ड वन रिसेंटली लॉन्च फुजियान और बाकी दो यहाँ पर पाइपलाइन में हैं. तो हमें भी यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है. नेक्स्ट है व्हाई इंजीनियर्स नीड द आर्ट्स. The academic structure worldwide is driven by market values. इसके अलावा higher education का privatization हो रहा है. Utilitarian degree programs हैं जो कि यहाँ पर highly specialized graduates produce करते हैं जो कि यहाँ पर skilled labor force को contribute कर सकें.
A general perception is that arts or humanities graduates less equipped होते हैं to contribute to the workforce. अगर हम यहाँ पर STEM से compare करें, STEM क्या होता है? Science, Technology, Engineering, Maths. तो ये जो बच्चे होते हैं STEM वाले, ये ज़्यादा equipped होते हैं for the workforce as compared to arts and humanities. तो ये general perception है. लेकिन author ने ये कहा है कि pandemic ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए हमें, हमें यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ रखनी चाहिए. द पैंडेमिक हैज़ एनहेंस्ड दिस परसेप्शन एक्सर्बेटिंग अ ड्रास्टिक डिक्लाइन ऑफ रिसोर्सेज इनकरेजिंग एकेडमिक रिडंडेंसी एंड क्लोजिंग डाउन ऑफ सेवरल आर्ट्स. तो पैंडेमिक में हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को तो ये मिल रहा है कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के कॉलेज क्लोज हो रहे हैं, लेकिन पैंडेमिक ने हमें सिखाया क्या है? इफ़ एनीथिंग द पैंडेमिक हैज़ टॉट अस दैट सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाई इन अ सस्टेन्ड कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स. नॉट ओनली डू वी नीड मोर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम्स, बट वी आर्ग्यू दैट इंजीनियरिंग एंड जनरली स्टेम डिग्री प्रोग्राम्स में यहाँ पर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज कोर्सेज भी होने चाहिए. रिसर्च नाउ इंडिकेट्स कि अगर इंटीग्रेशन होता है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग का इन हायर एजुकेशन, इट इज़ एसोसिएटेड विद पॉजिटिव लर्निंग आउटकम्स और इसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होती है, एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज होती है, टीम वर्क आता है. दीज स्किल्स एंड एजुकेशनल आउटकम्स एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स. और इंटीग्रेटिव अप्रोच में यह भी देखा गया है कि सोशल करेक्टिव यहां पर इंश्योर होता है. सोशल करेक्टिव इंश्योर होने का मतलब यह है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन और मिनोरिटीज यहां पर इंक्रीज होता है. नेक्स्ट है यहां पर टीचर्स इन टाइम्स ऑफ गूगल. तो यहाँ पर इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिकग्निशन, कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट की जो इंडिविजुअलिटी और वैल्यूज़ है उनको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है. द एबिलिटी टू रिकग्नाइज अ स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटी एंड वैल्यू इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर नॉर्थन नताल इन साउथ अफ्रीका में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें एक कॉमन ग्रीटिंग होती है जिसमें हेलो को जो उनका एक्सप्रेशन है दैट इज सावुबाना, इसका मतलब होता है आई सी यू. और यहाँ पर जो ट्राइब का मेंबर है वो रिस्पॉन्ड करता है सिखोना, इसका मतलब होता है आई एम हेयर. तो मतलब अनटिल यू सी मी आई डू नॉट एग्जिस्ट. सेम यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होना चाहिए. तो इट इज एज इफ व्हेन यू सी मी यू ब्रिंग मी इनटू एग्जिस्टेंस. द सेम इज द केस विद चिल्ड्रन. इफ टीचर्स डू नॉट नर्चर द इंडिविजुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर चाइल्ड में, वो हमेशा इनविजिबल रह जाते हैं. और जैसे ही ये बच्चे जब ग्रो होते हैं ना, दीज चिल्ड्रन आर लाइकली टू एम्ब्रेस हाफ हार्टेड कॉजेज, आइडियल्स एंड अप्रोचेस टू लाइफ एंड लर्निंग. इसीलिए रिकग्निशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चाइल्ड की इंडिविजुअलिटी का, उसकी वैल्यूज़ का. फिर यहाँ पर ये बताया गया है जो इंटरेक्शन होता है टीचर का वो बायलेटरल होना चाहिए. इट शुड बी गाइडेड बाय लव एंड हार्मनी, आइडल्स दैट नर्चर अ चाइल्ड. इन कॉन्ट्रास्ट, हेट और इनजस्टिस वॉयलेंस आर फॉस्टर्ड बाय यूनिलेटरलिज्म. तो ये सब नहीं होना चाहिए. यहाँ पर ये मेंशन है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, आईटी, बिजनेस सेक्टर्स, इसके अलावा गूगल सर्च, इनकी वजह से यहाँ पर टीचर्स में एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ रही है. तो सब्सटेंशियल सेक्शंस ऑफ इट आर ग्रिप्ड बाय इनसिक्योरिटी, जिसकी वजह से हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट है यहाँ पर कि यूके में कौन पीएम बन सकता है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये बताई गई है कि जो भी यहाँ पर पीएम बन रहा है उसको यहाँ पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पर 10.1% है जो कि 20% तक जा सकता है. यहाँ पर आर्टेमिस 1 मिशन की बात की गई है. तो यहाँ पर एक कैप्सूल है जिसका नाम है ओरायन कैप्सूल. 3 meter टॉल ओरायन कैप्सूल हैज़ कैपेसिटी फॉर 4 astronauts एंड द सेकेंड वन इज़ कमांडर. कमांडर क्या है? अ मैन इन क्वीन इन एन ऑरेंज फ्लाइट सूट, जो कि यहाँ पर मेन सीट को ऑक्यूपाई करेगा. नेक्स्ट हेल्गा एंड जौहर, ये क्या है? ये 2 dummies हैं जो कि ह्यूमन टिश्यू के मटीरियल से बनाए गए हैं, बेसिकली ये देखने के लिए कि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. फिर यहाँ पर शू बॉक्स साइजेस जो भी हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. वाई फोकस बैक ऑन मून? तो नासा इज ऑल्सो होपिंग टू जंप स्टार्ट कंपनीज लुकिंग टू सेट अप ए स्टीडी बिजनेस ऑफ फ्लाइंग ल्यूनर पेलोड्स. और यहाँ पर नासा का एम ये है, इट विल लैंड द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून. और चाइना के स्पेस एम्बिशंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में नासा को भी अपने यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम्स को बढ़ाना पड़ेगा. ये हमारे लिए नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है रिकॉर्ड सेटिंग शेरपा, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है नेवल मसल एंड सील ऑफ छत्रपति शिवाजी इंस्पायरिंग इंडियन नेवी. तो ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, दैट इज़ न्यू नेवल इंसाइन. तो आप देख सकते हैं डिटेल में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अनवील्ड द इंडियन नेवीज न्यू इंसाइन एट द कमिशनिंग ऑफ INS विक्रांत इन कोची.
And this new naval ensign bears the seal of Chhatrapati Shivaji Maharaj. The new ensign has the national flag on the upper canton. वो आपने national flag देख लिया होगा. And जब blue octagon compassing the national emblem sitting atop an anchor. तो basically national emblem आपको दिख रहा होगा. तो उसकी यहाँ पर बात की गई है. द एंकर यहाँ पर डिपेक्ट कर रहा है स्टेडफास्टनेस हैज़ बीन सुपर इम्पोज ऑन अ शील्ड इंस्क्राइब्ड विद द नेवीज मोटो दैट इज सम नो वरुणा इन देवनागरी. ऑक्टागोनल शेप यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है एट डायरेक्शंस. इसका मतलब यह है कि नेवी की मल्टी डायरेक्शनल रीच एंड ऑपरेशनल केपेबिलिटी. द ऑक्टागोन विद अ गोल्डन डबल बॉर्डर हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाई द राजा मुद्रा सील ऑफ द मराठा एम्परर शिवाजी. जब उन्होंने अडॉप्ट की थी ही वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड. शिवाजी ने यहाँ पर नेवल फोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए थे. शिवाजी ऑल्सो ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेवल फोर्ट. तो यहाँ पर नाम देख लेते हैं विजय दुर्ग द ट्विन टू सिंधु दुर्ग. बिटवीन 1653 एंड 1680 शिवाजी बिल्ट मोर नेवल फोर्ट्स सच एज सिंधु दुर्ग एंड कोलाबा. तो ये आपको कुछ नाम पता होने चाहिए एंड दैट्स इट. नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया की जो वैक्सीनेशन सक्सेस स्टोरी है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. इंडिया सक्सेस विद इम्यूनाइजेशन इज एन अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल SDGs बाई फोकसिंग ऑन द इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यू बॉर्न्स इन्फेंट्स चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट वुमेन. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट 11 डिजीजेज नेशनली एंड 1 disease subnationally, targeting close to 2.7 crore newborns and 2.9 crore pregnant women every year. तो इतना target हर साल रहता है. Vaccination is one of the most cost-effective public health intervention, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जान बचती है, especially children from dreadful vaccine-preventable diseases. जब से यहाँ पर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की डिस्कवरी होती है वैक्सीन्स हैव इफेक्टिवली रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज सच एज पोलियो मीजल्स टेटनस वूपिंग कफ इन्फ्लुएंजा एंड लेटली COVID-19. फ्रॉम पोलियो टू COVID-19 आफ्टर बींग डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री इन 1977 इंडिया ने लॉन्च किया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इन 1978 और जिसमें इंक्लूड की हमने वैक्सीन्स BCG की DPT की OPV की. फिर यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि 2014 के बाद इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा इंटेंसीफाई किया है. फॉर एग्जांपल मिशन इंद्रधनुष जिसका टारगेट ये था कि हमें जो इम्यूनाइजेशन कवरेज करना है वो 90% से ज़्यादा करना है. 2016 में इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया था एशिया का जिसने यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रोटा वायरस वैक्सीन को इंक्लूड किया. 2017 में नीमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को इंक्लूड किया. PCV produced in India cost around ₹200 per dose, जो कि काफ़ी affordable और accessible है. And in 2017, the pneumococcal conjugate vaccine was introduced and scaled up using made in India vaccine to prevent rotaviral diarrhea and pneumococcal pneumonia in children. Vaccination rate लगातार improve हुआ है, ये हमें National Family Health Survey के data से पता चला है. Provide data from the National Family Health Service provide direct evidence of India's success. Childhood vaccination rates have consistently improved over the last two decades with the proportion of children who are fully vaccinated reaching 76% as per the latest 2019-21 survey. Male vaccination rate yahan par increase hua hai from 59% to 88% in 2021. The indigenously produced rotavirus and PCV vaccines and the speed with which India was able to indigenously produce two COVID vaccines. तो basically ये example है कि India कितना अच्छा काम कर रहा है vaccines पर. India ने यहाँ पर cold chain systems built किए हैं for the delivery infrastructure and by developing a training and community health cadre of workers जो कि यहाँ पर last mile services को provide करते हैं. Today India is the largest producer of vaccines in the world providing quality vaccines at low cost. और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड रिसीव एटलीस्ट वन वैक्सीन जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है. टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स वर अकम्पनीड बाय एन इम्प्रूवमेंट ऑन द डिमांड साइड और यहाँ पर सोशल और बिहेवियरल कम्युनिकेशन कैंपेन्स किए गए जिसकी वजह से लोगों में जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो खत्म हो सके. सच कैंपेन्स टारगेट ऑल सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू जनरेट अवेयरनेस कि वैक्सीन से आप यहाँ पर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो और यहाँ पर लोगों में ट्रस्ट डेवलप किया गया एंड कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन्स. इसके लिए आशा वर्कर्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आंगनवाड़ी वर्कर्स गो डोर टू डोर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द मिस्ड आउट चिल्ड्रन जिनको यहाँ पर डोज नहीं मिली है, जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहाँ पर डोज नहीं मिली है. डिस्पाइट मल्टीपल चैलेंजेस वैक्सीनेशन इज इंडीड वन ऑफ इंडियाज पब्लिक हेल्थ सक्सेस स्टोरीज.
अब हम चलते हैं आगे. द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेटिंग पीरियोडिक ब्लड टेस्ट, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे लिए. जीएसटी इवेजन, आईटीसी मिसयूज ओवर 5 करोड़ में फेस प्रोसिक्यूशन. तो यहाँ पर नए रूल्स हैं. प्रोसिक्यूशन कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट ऑफेंडर्स इन केसेस जहाँ पर अमाउंट ऑफ इवेजन या मिसयूज किया गया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का और यहाँ पर अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है अंडर द जीएसटी रिजीम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशूड बाई द जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग. फर्दर इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेटली सारे डायरेक्टर्स के अगेंस्ट लॉन्च नहीं होगा, बेसिकली उन्हीं पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च होगा जो कि यहाँ पर डे टू डे ऑपरेशन देखते होंगे कंपनी का. द मॉनेटरी थ्रेश होल्ड हाउ एवर विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर हैबिचुअल इवेडर्स और केसेस. तो यहाँ पर जो ये 5 करोड़ की थ्रेश होल्ड है ना, ये हैबिचुअल इवेडर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. The evidence collected should be adequate to establish beyond reasonable doubt कि person का यहाँ पर guilty mind था, उसको offense की knowledge थी और उसका यहाँ पर fraudulent intention था या तो possessed mens rea. Mens rea का मतलब होता है उसका criminal intent था for committing the offense. Prosecution should normally be launched जहाँ पर amount tax evasion का या misuse of ITC यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा का हो. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. If you liked the video then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.